भाजपा की सरकार है, भगवान के नाम पर राजनीति मत करो। आस्था और विश्वास अलग अवधारणाएं हैं। भाई जगताप ने ये प्रतिक्रिया दी है। हजारों साल के बाद यह अभी विवाद क्यों है? इसलिए है क्योंकि असम में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में असंवैधानिक भाजपा की सरकार है। असंवैधानिक इसलिए कह रहे हो, आपको पता है अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय नहीं हुआ, इसलिए असंवैधानिक है। हाँ, 50 होके सब कुछ होके सरकार है, वो बिल्कुल सही है। तो दोनों जगह उनकी सरकार है, राम मंदिर का इश्यू बना के उन्होंने उसका इस्तेमाल राजनीति किया। अब शंकर भगवान शंकर जी के भी ये लिंग जो है, जो जिसके लिए मान्यता है, सारे भारतीय समाज में मान्यता है, हिंदू समाज में मान्यता है, उसकी भी राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो इससे बहुत ही एक गलत संदेश जाता है। पर राजनीति के लिए इस तरह इस्तेमाल करना ये इनकी पुरानी आदत है। मेरी उनको एक ही सूचना है, हिंदी नहीं है, सूचना है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए अब शंकर भगवान का भी इस्तेमाल मत करिएगा। ये इसलिए भी कह रहा हूँ, यहाँ महाराष्ट्र में जो ज्योतिर्लिंग का ये देखते हैं, वो जो उनके जो ट्रस्ट के मुखिया है, उन्होंने ये कहा है कि मुझ पर दबाव है कि मैं इसके बारे में कुछ बात न करूँ। क्यों है भाई? सच्चाई है, उसको बयां करने दो, क्या क्या प्रॉब्लम है? तो ये सारी हमेशा इनकी तरकीब, हमेशा इनकी या इनका एजेंडा रहा। अब शायद राम मंदिर ये मुद्दा शायद ये खत्म होने आया है। अब भगवान शंकर जी का इस्तेमाल करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।